हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं सुरिंदर घटनावर चैनल से बच्चों की मस्ती देखो, फनी इंडियन किड्स टॉकिंग इन फनी स्टाइल एंड क्यूट रिएक्शंस। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मित्रों, फिर क्या हाल चाल आप सभी के? अरे यार, हंसते रहा करो। आज की वीडियो को देखकर आप यही कहोगे कि आजकल के बच्चों के फट जाए कच्चे। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार, स्कूल के बच्चों को ये निब्बी पहले किसी निब्बे से फूल लेकर आई थी, तब यार एक और निब्बा आ जाता है इसे फूल देने के लिए, तब यार इसने दूसरे निब्बे से भी फूल पकड़ लिया, यानी कि एक साथ दो दो को हैंडल करेगी। जब हम लोग इस उम्र के होते थे तो स्कूल के पार्क में से फूल तोड़ने लगते थे, तब यार टीचर हमें मुर्गा बना देते थे। लेकिन ये बच्चे तो छोटी छोटी उम्र में फूल दे रहे हैं, पर पोज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं यार, बच्चा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो यार, इस प्यारे से बच्चे को ये पहले रोटी उठाता है, फिर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, तब यार चुपके से कुत्ते को रोटी खिला देता है। मित्रों, आपको लगता होगा कि सिर्फ हमारे देश के बच्चे ही निब्बा निब्बी बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, यहाँ पर देखो यार, विदेश के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको निब्बी नहीं मिली, इसने कंकाल से ही सेटिंग कर ली, यानी कि देखो देखो पप्पी छप्पी कर रहा है। रहा नहीं जाता। अरे मुन्ना, अगर रात को ऐसा ही कोई कंकाल तेरे पास आ गया और पप्पी लेने लगा ना, कच्चा गीला हो जाएगा, बिल्कुल तारा रारा हो जाएगी बिस्तर पर। यार बच्चे के एक्शन देखो, स्वैग देखो मित्रों, ये बच्चा भी तैयार है निब्बा बनने के लिए। बोलता होगा कि ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, कोई ना कोई निब्बी तो सेट हो ही जाएगी। मित्रों, हमें स्कूल में शपथ दी जाती थी कि हम अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन नहीं मित्रों, आजकल के बच्चे कैसी कैसी शपथ ले रहे हैं सुनो आप। शपथ लेते हैं कि जितनी लड़कियां मिलेंगी सबको पटाएंगे, सीनियर हो जूनियर हो सब हमारी रहेंगी। यह देश बदल रहा है। मित्रों, लाइट चली जाए तो फ्रिज में से पिघल जाती है बर्फ, लाइट चली जाए तो फ्रिज में से पिघल जाती है बर्फ, आजकल के बच्चे चले हैं निब्बे बनने की तरफ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। अब यहाँ पर देखो मित्रों, आपको लग रहा होगा कि सामने कोई पिक्चर लगी होगी या फिर कोई वीडियो चल रही होगी, लेकिन नहीं मित्रों, देखो यार छोटे छोटे बच्चे निब्बियों से बात ही कर रहे हैं। गया मित्रों हमारा वक्त, गया, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आजकल के बच्चों का टाइम है, यानी कि बच्चे निब्बा निब्बी बनेंगे और सेटिंग करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मुझे ठेका दे दो आपको साने का, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको। और यहाँ पर देखो यार, इन बच्चों के पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, देखो यार क्या बोल रहे हैं। क्यों स्कूल क्यों नहीं आने रहे? स्कूल से छुपे हुए? क्यों पापा क्या काम करते हैं? एक ये बच्चे हैं यार, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ यार बहुत बच्चे निब्बा निब्बी बन रहे हैं और घर वालों का कैसा नाम रोशन कर रहे हैं। घर वाले भी बोलते होंगे कि इससे अच्छा हम लोग कोई पत्थर पैदा कर लेते, घर में पड़ा पत्थर कोई काम तो आता, हमारा कम से कम नाम तो नहीं डुबाता। ये देखिए, आठवां में लड़का पढ़ता है और ये भी हमको पांच गो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएगा कि पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है। अक्षय कुमार। यस, साबस बेटा, बहुत अच्छा। दूसरा जरा नाम बताना तो। दूसरा महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी। तीसरा जरा नाम बताना तो। यार शाबाश बेटा, एक स्वतंत्रता सेनानी रह गया और वो है सन्नी लियोनी। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, क्योंकि आधे अंग्रेज तो उससे ही लड़ते रह गए, इसलिए तो हमारे देश को आजादी मिल पाई। इसलिए मित्रों, जो भी बच्चे ने नाम लिए और एक सन्नी लियोनी, इनका नाम यार सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को आजाद करवाने के लिए, खासकर सन्नी लियोनी का। आज भी यार वो अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देती है। इन बच्चों ने है सोचा हम करे लफड़ा, देखो मकसद पढ़ना, आजकल के है बच्चे कर रहे आशिकी, बताए इनको कौन भाई है ये ताशकी, कुछ बच्चों को है नहीं पढ़ने को मिलता, और कुछ बच्चे देखो कर रहे लफड़ा, कुछ बच्चों को है नहीं पढ़ने को मिलता, और कुछ बच्चे देखो कर रहे आशिकी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खैर मित्रों, आप छोड़ो, हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, काला कर दो, मुझे फॉलो कर लो यार। स्वतंत्रता सेनानी, अक्षय कुमार, सनी देओल और
महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को तो नो डाउट यार, वो स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देश का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देश का नाम रोशन करने वालों का नाम नहीं पूछा था, है ना, वो पूछा था स्वतंत्रता सेनानी कौन है, किन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इनको सिर्फ पिक्चर्स में, फोटोज़ में दिखते हैं वो लोग बस, है ना, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और मतलब इतने सारे लोग, इनको नाम ही नहीं याद है, इनको नाम ही नहीं याद है कि हाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन है। हाथ में झंडा लेकर खड़े हैं, लेकिन उस झंडे का महत्व क्या है ये नहीं पता ये बच्चे हैं। ऊपर से वो 11 साल का बच्चा फ़ोन पे चुम्मा चाटी कर रहा है, ठीक है, और वो 24-24 साल के बच्चे नहीं, मतलब 24-24 साल के लड़के, 24-25 साल के लड़के वहाँ पे बैठे उसको देख रहे हैं, हाय हाय हमसे एक लेनी, मतलब हमसे तो नहीं पटी आज तक, और ये देखो बढ़िया लगा पड़ा है भाई, लगा पड़ा है। और वो बच्चा जो कंकाल के साथ रोमांस कर रहा था, ओ भाई अगर रात में ऐसे ही कोई कंकाल हिलता हुलता आ गया ना, फिर भाई जगह नहीं मिलेगी तुझे भागने के लिए सच्ची में। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।